हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेडिसेलिक ऑइंटमेंट के बारे में। दोस्तों, मेडिसेलिक ऑइंटमेंट को कौन कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, इसके इस्तेमाल करने का क्या सही तरीका है और कितने दिनों तक हम मेडिसेलिक ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट मेडिसेलिक ऑइंटमेंट के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं और इसके इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, मेडिसेलिक ऑइंटमेंट की बात करें तो आजकल इस क्रीम का फेयरनेस के तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। दोस्तों, लोग इसका मेडिसेलिक ऑइंटमेंट का गोरा होने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। दोस्तों, मेडिसेलिक ऑइंटमेंट का गोरा होने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं चाहिए, या आपके लिए सुटेबल है या नहीं, तो दोस्तों यही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मेडिसेलिक ऑइंटमेंट की बात करें तो इसको टॉर्क के फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। प्राइस की बात करें तो 140 रुपीज़ की इस पर MRP होती है। यह आपको 50 से 60 रुपये में आसानी से किसी भी केमिस्ट या मेडिकल शॉप पर मिल जाएगी। दोस्तों, 20 ग्राम की पैकेजिंग में ये क्रीम आती है और इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर क्लोरबीटासोल 0.05% बेड बाय बेड और सैलिसाइलिक एसिड 3% बेड बाय बेड। ये दो तरह के इंग्रेडिएंट दोस्तों इस क्रीम के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। दोस्तों, इस क्रीम का जो मेनली जो इस्तेमाल किया जाता है एक्जिमा, सोराइसिस, खुजली और सूजन से राहत पाने के लिए इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, उसके साथ साथ यदि आपकी स्किन की जो डेड कोशिकाएं होती हैं वो बिल्कुल मर जाती हैं तो उनको हटाने के लिए भी इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस क्रीम का फेयरनेस के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये आपके चेहरे पे कुछ समय के लिए फेयरनेस ला भी दे मगर उसके बाद आपको साइड इफ़ेक्ट भी देखने को इसके काफ़ी ज़्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो क्लोरबीटासोल जो इंग्रेडिएंट ऐड किया गया है वो एक दोस्तों एक स्टेरॉइड है। वो आपके चेहरे पर कुछ समय तक फेयरनेस ला भी देगा मगर उसके बाद आप इसका फेयरनेस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका साइड इफ़ेक्ट भी देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, इसका फेयरनेस के लिए आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दोस्तों ये क्रीम फेयरनेस के लिए बिल्कुल नहीं है। ये केवल एक्जिमा, सोराइसिस, खुजली और आपके कहीं पर लाली है तो उसके लिए और सूजन से राहत पाने के लिए और जो आपकी स्किन की कोशिकाएं डेड हो गई हैं, जो मर गई हैं, उनको हटाने के लिए इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस क्रीम के इस्तेमाल की बात करें तो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस क्रीम का इस्तेमाल केवल नाइट में एक बार इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। और कितने समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, आपको केवल 10 से 15 दिन इस क्रीम का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना है इस क्रीम का। दोस्तों, इस क्रीम के इस्तेमाल करने से आपके जलन हो सकती है, आपकी स्किन ड्राई हो सकती है और लाल चकते हो सकते हैं, ये इसके साइड इफ़ेक्ट है। आई होप दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।